जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। आज के वीडियो में मैं दिखाने जा रही हूँ गोपाष्टमी की पूजा कैसे की जाती है। गोपाष्टमी की पूजा करने के लिए हमें किस किस सामग्री की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक चौकी। देखिए, ये मैंने चौकी लगा ली है। उसके ऊपर लाल रंग का आसन बिछा लेते हैं और उस पर चावल रखकर ठाकुर जी को विराजित कर लेते हैं, क्योंकि ठाकुर जी के बिना गोपाष्टमी की पूजा नहीं होती है। तो इस तरीके से मैंने ठाकुर जी को विराजित कर लिया है। अब दिखाती हूँ आपको सामग्री। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए होता है गाय का विग्रह, गाय की मूर्ति बछड़े के साथ होनी चाहिए। एक गणेश जी की प्रतिमा, क्योंकि गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है। एक जल का कलश, शुद्ध जल का कलश लेना है, जिसमें कि हल्दी पिसी हुई या हल्दी की गांठ डाल देनी है और थोड़े से चावल। अब मैं आपको पूजा सामग्री दिखा रही हूँ। तो देखिए, ये है कच्चा दूध, आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि ये चने की दाल और गुड़, फल, मिष्ठान में भोग लगाने के लिए बर्फी ली है मैंने, कलावा, फूल और हल्दी के जल से स्नान कराया जाता है। तो ये है हल्दी मिश्रित जल। और देखिए, ये गाय माता को उड़ाने के लिए चुंदरी है, और ये है गाय माता को भेंट करने के लिए श्रृंगार का सामान, और ये पूजा करने के लिए हल्दी, रोली, चावल, कलावा, और ये है माता को भेंट करने के लिए साड़ी। देखिए, साड़ी और ये दक्षिणा। तो इस प्रकार से अब शुरू करते हैं हम आगे की पूजा कैसे की जाती है। आते हैं हम पूजा करना गोपाष्टमी की। तो उसके लिए हम थोड़े से चावल यहाँ पर रख देंगे ठाकुर जी के पास में। ठाकुर जी को भी चावल का आसन देके मैंने विराजित कर दिया है। यहाँ पर चावल जो रखे हैं वहाँ, उसके लिए मैं गणेश जी की प्रतिमा को यहाँ पर आसन दूंगी। तो गणेश जी की प्रतिमा को आसन दे दिया है, और अब एक थाली में हम स्वास्तिक बना लेंगे। देखिए, एक थाली में मैंने स्वास्तिक रोली से बना लिया है, और यहाँ पर अब हम कराएंगे अपनी गाय माता को स्नान। सबसे पहले गाय माता को स्नान कराना होता है। तो गाय माता को अब मैंने यहाँ पर विराजित कर लिया है। सबसे पहले हल्दी मिश्रित जल से स्नान कराना होता है गाय माता को। तो देखिए, हल्दी मिश्रित जल है, जिससे हम जय हो गाय माता, जय हो गई है मैया तुम्हारी, जय हो। तो इस प्रकार से हम गाय माता को स्नान करा देंगे। उसके बाद फिर हम गाय माता को कराएंगे दूध से स्नान। दूध में आप कच्चे दूध से ही स्नान कराना है, और गाय के दूध मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो दूध लेकिन कच्चा लेना है, ये बात का बहुत जरूर ध्यान रखना है आपको। तो देखिए, इस तरीके से हम गाय को कच्चे दूध से स्नान करा देंगे। जय गैया मैया, जय गैया। आज के दिन ही भगवान ने गौ चरण लीला करी थी, गाय को चराना प्रारंभ किया था, इसीलिए गोपाष्टमी की पूजा की जाती है, गाय माता की सेवा की जाती है। गाय में कहते हैं 33 करोड़ देवता का वास होता है, इसलिए हमें प्रतिदिन गाय माता की सेवा करनी चाहिए, गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। अब हम शुद्ध जल से गाय माता को स्नान करा देंगे। देखिए, गाय को माता को स्नान करा देंगे। अब जो दूध अंदर, और अब हम गाय माता को कपड़े से पोंछ कर फिर चौकी पर हम विराजित कर लेंगे। तो हम इसको रख देते हैं, और गाय माता को एक कपड़े से पोंछ कर और चौकी पर विराजित कर देंगे। तो अब हम चावल का आसन दे देते हैं। देखिए, चावल का आसन दे दिया है, और अपनी गाय माता को वहाँ पर हम करेंगे विराजित। तो हमारी गाय माता ने स्नान कर लिया है और प्रभु के पास विराज गई हैं। अब करना होता है हमें पूजन। तो पूजन करने के लिए सबसे पहले रोली से टीका लगाएंगे, प्रभु के भी लगाएंगे, गणेश जी महाराज के भी लगाएंगे, और अब हम हल्दी से भी पूजा करेंगे, क्योंकि आज के दिन हल्दी से भी पूजा करने का बहुत महत्व होता है, खास करके गाय माता की। तो हम ठाकुर जी का भी गाय से, हल्दी से ही पूजन करेंगे। अब हम चावल चढ़ाएंगे गाय माता को पहले, फिर ठाकुर जी को भेंट करेंगे, गणेश जी का पूजन करेंगे, और अपने राधा कृष्ण जी का पूजन करेंगे। अब हम पुष्प अर्पित करेंगे गाय माता के लिए। हमने छोटी सी माला बनाई है, तो गाय माता को हम माला अर्पित कर देंगे। तरीके से गाय माता को हमने माला पहना दी है, और हम ऊपर एक पुष्प चढ़ा देंगे इस प्रकार से, और ठाकुर जी के पास भी हम फूल रख देंगे।
गणेश जी भगवान को भी फूल देंगे चढ़ाएंगे और अपने राधा कृष्ण जी को भी। अब हम रखेंगे एक दीप जलाकर, क्योंकि हमने पूजा प्रारंभ कर दी है। अब हमने दीप प्रज्वलित कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए, अब हम सबसे पहले गाय माता के पास रखेंगे भोग। तो हमने गुड़ और चने की दाल का जो भोग रखा है वो रख चढ़ाएंगे और वस्त्र स्वरूप सब भगवानों को कलावा भेंट करेंगे। तो देखिए, पहले हम गाय माता को सबसे पहले अर्पित करेंगे कलावा, और गाय माता को हम चुंदरी भी उड़ाएंगे। तो देखिए, ये जो चुंदरी है ये हम गाय माता को उड़ा देंगे, और आप गौशाला जाकर भी माता को चुंदरी उड़ा सकते हैं, साड़ी पहना सकते हैं, या सर्दियां आने वाली हैं तो कंबल वगैरह भी दान कर सकते हैं। और इस प्रकार हम ठाकुर जी के समक्ष भी हम कलावा अर्पित करेंगे और गणेश जी भगवान को भी हम कलावा अर्पित कर देंगे। इस प्रकार अब हम गाय माता के लिए हरा चारा रखेंगे। आज के दिन हरा चारा खिलाने का बहुत महत्व होता है, तो गौशाला में जाकर हमें ज़रूर खिलाना चाहिए, लेकिन अभी हम पूजा घर पे कर रहे हैं तो गाय माता के लिए हम ये हरा चारा जरूर रखेंगे। अब हम माता के लिए फल रख का भोग जरूर रखना चाहिए, तो अभी हम फल का भोग रखेंगे। गाय माता के लिए हरा चारा हो गया और फल का भोग हो गया, और अब हम रखेंगे ये मिष्ठान का भोग। तो गाय माता के लिए मिष्ठान का भोग हमने रख दिया है। अब हमें रखनी होती है सुहाग पिटारी, जो सुहाग का सामान, गाय माता को सुहाग का सामान हमें भेंट करना होता है। तो अब ये हम सुहाग का सामान है ये भी हम चौकी पर ही विराजित कर देंगे। देखें, तो मैं जगह नहीं रहती है चौकी पर। देखें, अब मैंने आपको दिखाती हूँ मैंने किस तरीके से, देखें, मैंने गाय माता को चुंदरी उड़ा दी, पूजा कर दी, भोग में चने की दाल और गुड़ रखना बहुत ज़रूरी होता है, मिष्ठान रख दिया है, फल रख दिए, कलावा अर्पित कर दिया सभी देवताओं को, और गौ माता को चुंदरी उड़ाकर उनको श्रृंगार का सामान भेंट कर दिया। अब हम गौ माता को साड़ी भेंट स्वरूप अर्पित करेंगे। तो देखिए, ये गौ माता को हम साड़ी, ये साड़ी है जो हम गौ माता को साइड में रख देंगे, क्योंकि जगह नहीं है, तो हम साड़ी और ये भेंट कर देंगे। अब हम माता की आरती करेंगे। जय हो गौ माता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपने जो दक्षिणा दी है, आप उस दक्षिणा को, जो हमने दक्षिणा चढ़ाई है साड़ी पर और साड़ी रखी है, सुहाग का सामान रखा है, ये आपके जो दूध वाले आते हों, कोई भी गौ भक्त हों, उनको दे सकते हैं या गौशाला में जाकर इन चीज़ों का दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से गोपाष्टमी की पूजा बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण हो जाती है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन कितनी भी पूजा घर कर लो, लेकिन एक बार गौशाला जाकर सेवा जरूर करनी चाहिए। आज के दिन गाय माता की पूजा करनी चाहिए, उनकी परिक्रमा करनी चाहिए, उनको हरा चारा खिलाना चाहिए, तो तभी हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि गाय आपके घर के पास नहीं है तो कम से कम अपने घर में रहकर गाय माता के विग्रह की इस प्रकार से पूजा अवश्य कीजिए, और जो दान भोग चढ़ाया है आपने उसको बाद में आप भेंट कर दीजिए मंदिर में, गौशाला में जाकर। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे।